विफाक के बाद पंजाब में भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का मामला मुतनाज़े होने लगा। सूबाई वजीर इत्तला'आत ने हमजा शहबाज को PAC चेयरमैन बनाने की मुखालफत कर दी। बोले, 5 साल की करप्शन पर किस तरह पर्दा डालने की इजाज़त दी जाए। 5 साल इन्होंने करप्शन कर ली, पिछले 5 साल तो अगली हुकूमत आके उस पर करप्शन की इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो वो ना कर सके। मैं तो ज़ाती तौर पे कम अज़ कम इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। ये जो रवायत थी ये बाकायदा प्री प्लान थी कि ताकि एक दूसरे की करप्शन जो पिछले 5 साल की है उसके ऊपर कोई नज़र ना रख सके, उसको कोई इन्वेस्टिगेट ना कर सके, उसके ऊपर कोई पकड़ ना कर सके। तो मेरी ज़ाती राय अगर आप पूछते हैं तो मैं तो समझता हूँ कि नहीं, बिल्कुल एक डेड ऑनेस्ट MPA को और MNA को जो है वो कौमी असम्बली में भी और आपकी सूबाई असम्बली में भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो है वो चेयरमैन होना चाहिए जो पिछली 5 साल। इसी मुतालिक बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत कहेगा, सूबाई वजीर इत्तला'आत ने हमजा शहबाज को PAC चेयरमैन बनाने की मुखालफत कर दी है। आज बिल्कुल हुकूमत-ए पंजाब के तर्जमान वजीर इत्तला'आत जो है फयाज़ हसन चौहान, उन्होंने ये इंडिया दिया है कि पंजाब असम्बली में भी जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का ओहदा हमजा शहबाज को नहीं देना चाहिए और इस हवाले से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा कि अगर हमजा शहबाज को जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए तो इनकी गुज़श्ता जो 5 और 10 साल हुकूमत थी उसके दौर के ऑडिट पैरे ही इनके सामने आएंगे और अपने ही दौरे हुकूमत की जो करप्शन है उनके ऑडिट पैरों को ये सेटल कर देंगे। इसलिए वो अमल की शिद्दत से मुखालफत करते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जो है किसी ईमानदार रुकन असेंबली को होना चाहिए। हमजा शहबाज के हवाले से अगर कोई तजवीज सामने आई तो वो इस हवाले से मुखालफत करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा को बिलखसूस हमजा शहबाज को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, अपडेट कर रहे थे आप। विफाक के बाद पंजाब में भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का मामला मुतनाज़े होने लगा है। ऐसे में सूबाई वजीर इत्तला'आत ने हमजा शहबाज को PAC चेयरमैन बनाने की मुखालफत कर दी है। उन्होंने कहा कि 5 साल की करप्शन पर किस तरह पर्दा डालने की इजाज़त दी जाए।